हरे कृष्ण एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम चाय बना लेते हैं। सर्दी है ना, तो कुछ भी काम करो सबसे पहले तो चाय चाहिए होती है, और मैं तो पूरा चाय का कीड़ा हूँ। उसके बाद चाय पी के मैंने सोचा कि देखो, न्यू ईयर की वाइब आनी चाहिए यार। न्यू ईयर आ रहा है तो अपने मन को भी तो थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए कि न्यू ईयर है, थोड़ी सी फील आए, क्योंकि बाहर तो हमने कहीं जाना नहीं है, घर पे ही रहना है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, दिवाली वाली जो लाइट है ना वही लगा देते हैं। मम्मी ने बोला क्यों बिजली का बिल बढ़ा रही है, वैसे ही बहुत आता है। मैंने कहा मम्मी प्लीज़ 2 दिन के लिए, तो यार इतनी रिक्वेस्ट करो और मम्मी ना माने ऐसा हो सकता है क्या? वैसे भी वो कितनी सॉफ्ट हार्टेड होती है। फिर वही मैंने कार्डबोर्ड शीट ली, उसके ऊपर पेस्ट किया एक रंगीन पेपर, और उसके बाद क्या किया मैंने, हाँ, इंटरनेट से मैंने अपने लिए एक थीम सेलेक्ट किया था कि मैं ऐसा कैलेंडर बनाऊंगी। उस पर कुछ अच्छा सा कोटेशन लिखा हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बस वैसा ही बनाया और एक गड़बड़ कर दी। स्टार्ट तो मंडे से हो रहा है, मतलब 1 तारीख मंडे से है और मैंने संडे को ही 1 तारीख कर दी थी, बट फिर वही कुछ जुगाड़ किया था एंड देन फाइनली हमारा कैलेंडर कुछ ऐसा दिख रहा है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा कुछ करना तो पड़ा नहीं, बहुत जल्दी से ही बन गया था। फिर उसके बाद मुझे अपना 2024 का विजन बोर्ड भी बनाना था, तो वही फिर से इंटरनेट से कुछ फ़ोटोज़ निकाली जो मतलब मेरे विज़न के अकॉर्डिंग मैच करती है, और उनको एक डायरी में पेस्ट किया मैंने, जो मैंने पहले ही खरीद ली थी। और एक्चुअली मैं ये फ़ोटोज़ वगैरह आपको बताऊंगी तो नहीं, क्योंकि मतलब अपना ड्रीम है ना अपने तक ही रखना चाहिए, ऐसे सबको नहीं बताना चाहिए। फिर ग्रीन टी पी, और ये देखो एक्चुअली अभी तक इसमें कैलेंडर मैंने नहीं लगाया है, बट लाइट लगाने के बाद में रात को इतना अच्छा लुक आ रहा था ना, ऐसे लग रहा था सच्ची में आज ही न्यू ईयर आ गया है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी ये न्यू ईयर की वाइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइज, बाय।